सो नाइस। ऐसी बातें सोचने के लिए ना एक यंग मैनेजमेंट माइंड चाहिए, और ये यंग मैनेजमेंट माइंड है। और दूसरी बात, आप सब इनके कहने से समझ के आए, इसलिए आप अपने लिए तालियां बजा लो। आज का सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या बदल सकता है? बसरते आप चाहो तो। कब बदलेगा? मेरे जाने से आपकी जिंदगी बदलेगी क्या? आप चाहो तो आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की जो क्लास है, ये जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप का मतलब है आप और हम मिलके एक चीज को समझेंगे, एक नई चीज समझने वाले। हेलो, आप पीछे सेकंड नंबर खड़े हो जाओ प्लीज। अब आप हमें बताओ क्या बात कर रहे थे आपस में, है? माँ कसम, बैठ जाओ, आगे से ध्यान रखना प्लीज। तो आज हम एक वर्कशॉप करेंगे जहां आप और हम मिलके एक चीज को समझेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं जिस जिस क्लास में गया इंडिया में, बाहर तो मैं गया नहीं अभी, तो मैं जब ये सवाल पूछता हूं कि कितने बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, अब बताओ किस किस की हाथ उठाएंगे, पहले एक्सरसाइज हो गई थी। कितनी बच्चे हैं जो अपनी इच्छा से पढ़ने जाती हैं और अपनी इच्छा से पढ़ते हैं? क्या इच्छा से? अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो? हाथ खड़ा कर दो फिर। अपनी इच्छा से? प्लीज, आपको कसम है मां की नहीं दूंगा। इधर हाथ नीचे। अभी मैं गुवाहाने में था 15-20 दिन पहले, 160 बच्चों की क्लास थी। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं इच्छा से पढ़ता हूं। बाकी 159 बच्चे ऐसे थे, बोला जी अपनी मर्जी नहीं है पढ़ने की। अब आप में भी, हाथ खड़े करने वालों में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो मुझे आपकी एविडेंस नहीं चाहिए, आप अपने अंदर जज कर लेना। आप ही की दिक्कत नहीं, इस देश में ज्यादातर बच्चों की दिक्कत है कि उन्हें पढ़ना पड़ता है। आप मेरी बात से वाकिफ है? और सुबह ही घर वाले उठा देते हैं, तो ना बेटे ये बस्ता ले, दो पराठे डाल पर निकल ले। बचपन से ही ये निकलने की कार्रवाई चलती आ रही है। आ रही है? अच्छा, अब मेरे को आप में से ये बताओ, आप क्यों पढ़ रहे हो? अब मिलेंगी चॉकलेट दबा के। खड़े होगे, इन सबको बताओ शेष करके। यस, एसिड बनना है, एसेट बनना है। वंडरफुल। क्या नाम है आपका? साक्षी। एसेट बनोगे? और कोई? साक्षी तो एसेट बनेगी। क्यों पढ़ रहे हो भाई? विशेष पूरी करने के लिए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? लव। ताली बजाओ लव के नाम। जब ताली बजे ना तो फील लिया करो पूरा। यस, हेलो यू। नहीं, आपका नंबर बाद में आएगा, मुझे पता है, याद करके बैठिए। यस यू प्लीज। या यस, आप फ्यूचर में क्या बनने वाले? ड्राइवर? देन व्हाट? यस, ताली बजाओ इसके नाम। क्या नाम है? प्रीति। सीएस बनेगी प्रीति। हेलो, यस, क्यों पढ़ाई कर रहे? अपने भविष्य के लिए। पड़ोसी के भविष्य के लिए थोड़ी करनी है भाई, भविष्य तो अपना ही करना है। क्या नाम है बेटे? इसकी कॉपी नहीं मारनी, इसकी चीटिंग भी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल पर्सनलाइज सवाल है। आपका अपना ही होगा, पड़ोसी का आपका नहीं हो सकता, आपका पड़ोसी का नहीं हो सकता। यू, आप। ओ माय गॉड, क्या करना है वैसे का? एक सांस में सारी बात कह दी छोरी ने। हाँ, यस, क्या नाम है? बैठे स्वर्ण, ताली बजा दो स्वर्ण।
बाकी जो बच गए हैं वो बचे नहीं है, अगली बार नंबर आएगा, इसलिए प्लीज। इतने लोगों के व्यू आपने सुने, ये सिर्फ इनके नहीं है, ये भारत बोल रहा है। हर स्कूल में बच्चे ऐसे ही हैं जैसे आप हो, हर बच्चे वैसे ही हैं जैसे आप हो, जैसी परवरिश आपकी हो रही है वैसे ही दूसरों की है, थोड़ा ऊपर नीचे है। अब मैं आपको एक बात पूछूं, आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपको? अगर दिल्ली जाना है और आप खड़े हो जाओ, आप सुबह उठे कि आपको दिल्ली जाना है और आप सुबह उठे कि मेरे को कहीं जाना है और पूरा दिन गुजर गया, आप कहां पहुंचोगे? आप कहां पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे बेटे? कहीं नहीं। कुछ आई समझ में मेरी बात? क्या आई? आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने कहा भविष्य में कुछ बनना है। सुबह उठ के हम पढ़ने जाते हैं, यस दौड़ के आ जाओ बेटे, यस कम ऑन। सुबह उठ के पढ़ने जाते हैं, बोला किस लिए पढ़ना है? हेलो, बैठ जाओ बेटे फटाफट। सुबह उठ के पढ़े, बोला पढ़ना है, क्यों? कुछ बनेंगे, कुछ बनेंगे। जिंदगी में जब जब हम बड़े होते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने देखा कि खुशी हर आदमी हमसे चाहता है और अंदर भी हम क्या चाहते? खुश रहना, ये चाहते। जब हम पैदा हुए थे, छोटे थे, तब ज्यादा खुश थे या अब ज्यादा खुश है? है क्यों? जब छोटे थे तब तो ये सोचते थे बस अब तो पांचवी क्लास पास कर जाए, फिर तो बड़े बच्चों में आ जाएंगे हम। पर जब बड़ों में आ गए तो फिर क्या था? यार छोटे ही अच्छे थे। अच्छा, टेंथ का बोर्ड पास कर जाए फिर तो हम सेंसा हो जाएंगे, फिर तो सेंसा हो जाएंगे। नाइन्थ में आके तो जैसे हमने बाजी मार ली थी, और टेंथ में बोर्ड का रिजल्ट आया, अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, मतलब हमारे पैर धरती पे नहीं थे। और जैसे इलेवेंथ की बुक पढ़नी शुरू की, सारी हवा गायब। यही बात है, दसवीं पास कर ली, खुशी कम हो गई। अब आप देखेंगे कि अब आप सोच रहे हो हम बारहवीं पास कर लें, जो बारहवीं में है तो हम तीरंदाज बन जाएंगे, ऐसा सोचते। बारहवीं पास कर लेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, उसके बाद करियर की तरफ बढ़ जाएंगे, आगे कॉलेज में जाएंगे, अच्छा कॉलेज पढ़ेंगे। जो लोग कॉलेज में चले गए, कोई है या कॉलेज वाला? वो सोचते हैं हम ग्रेजुएशन पूरी कर जाए तो एक ठीक सी नौकरी मिल जाएगी, या पोस्ट ग्रेजुएट कर ले ठीक सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, जिनको नौकरी मिल गई वो सवेरे जो रेल पकड़ने भागते हैं या बस पकड़ने भागते हैं, आप उनमें खुशी देखते हो? आप ईमानदारी से बताना, घर में आपके जितने भी बड़े लोग हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं कि बच्चे? क्यों? बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो सारे एसेट और माल और बैंक और कार और पैसा और खाना और कपड़े और बंगले सब है। कहां से आई? तो फिर जब उनके पास स्ट्रेस है तो फिर क्यों जा रहे हैं उस रास्ते पे? ओह माय गॉड, चलो अब इसको समराइज करते। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, खुशी कम होती जाती है, कम होती जाती है ज्यादातर लोगों की। अब इसको ध्यान से रख, सुनना मेरी बात। मैं जब दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में या तो रोड पर ट्रैफिक में देखो तो हर आदमी का मुंह लटका हुआ और भागा जा रहा है कहीं ना कहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बता रहा हूं। मेट्रो में बैठो तो सब लगे हुए और चेहरे आपको लटकते हुए मिलेंगे। 30 साल से ऊपर के लोगों के चेहरे खिले हुए नहीं मिलते, 30 साल आते आते चेहरे लटकने शुरू हो जाते। और जिंदगी खुशी का नाम है, जिंदगी खुशी का नाम है। खुशी मिलती है तो जिंदगी जीने का सबल मिलता है, पर खुशी नहीं होती तो कुछ अच्छा नहीं लगता। यहां तक सहमत हो आप? अभी आप सब अपने दिमाग में सोचो कि आपको बनना क्या है, या अभी तक जितनों ने सोच लिया है कि बनना क्या है, हाथ खड़े कर दो। अभी तक जो सोच चुके हैं कि मुझे जाना कहां है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोश के साथ हाथ खड़े करो जिसने सोच लिया जाना कहां है।
यस, हाथ नीचे, फटाफट फटाफट बता दो जाना कहाँ है। डॉक्टर, नाइस। इंजीनियर, नाइस, यस, वंडरफुल, यस। और कौन था, और कौन था? हेलो, हाथ तो कहीं खड़े किए थे। यस, फौजी, बस। डॉक्टर, सो नाइस। और बाकी, अब आपको समझ में आ गई सक्सेस कितने होंगे इन 40 में से? आ गई कितने होंगे? ये जो 4-5 हाथ खड़े किए, और बाकी सब घर से निकले और शाम को घर मिलेंगे और फिर कहोगे सरकार नौकरी नहीं देती। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल नौकरी नहीं देती। ये 8 आदमी आपको नारे लगाते नहीं मिलेंगे कहीं, ये कहीं ना कहीं रास्ते पे होंगे, या तो पहुंच गए होंगे या पहुंचने के रास्ते पे होंगे। आपके पास आज भी मौका है बच्चों, आज भी सोच सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सोचो आपको जाना कहां है। आज की क्लास जो करियर गाइडेंस की है वो ये है कि जिंदगी होती है हमारा लॉन्ग टर्म एम, कि हमें जिंदगी अच्छे से जीनी है, सुख से जीनी है, पैसा होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, घर में खुशियां हो, पूरा परिवार हो, हमारे पास सब कुछ हो जो जरूरत का है। ये जिंदगी की जरूरत है। इस जरूरत को अचीव करने के लिए जैसे दिल्ली जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी के लिए किसकी जरूरत है? कहां बात कर रहे थे बताओ, जिंदगी के लिए किसकी जरूरत है? इधर से बोला किसी ने, करियर की। तो करियर वो गाड़ी है जिस पर चढ़ के हम अपनी जिंदगी को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। करियर होता है वो राइडर जिस पर हमारी लाइफ आगे बढ़े, और करियर गाइडेंस क्या होता है? कोई हमें सलाह दे दे कि हम क्या बने, कोई हमें सलाह दे दे कि हम कहां जाएं, कोई हमें सलाह दे दे कि हम क्या कर सकते हैं। वो मेरे पास एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, मैजिकल टेक्निक है कि जिंदगी बदल लेगी। इसलिए आप 10 मिनट का ब्रेक लें, घूम घाम के आए और फिर एक बार सेशन शुरू करते हैं, ठीक है? थैंक यू।